हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी क्योंकि बहुत दिन से मैंने कुछ व्लॉग नहीं डाला। उसका रीज़न है क्योंकि ये जो मेरा रिकवरी का जो पीरियड है आफ्टर माय सर्जरी, मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि जब मैं कुछ मेडिसिन लेती हूँ या मेरा फिजियोथेरेपी सेशंस होता है, काफ़ी मेरा जो बॉडी है वो थक चुका होता है, एंड उसी रीज़न से मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्ट करती हूँ। सो आज मैं आपको अपडेट दूंगी। आज मेरे सर्जरी को लगभग 50 डेज कंप्लीट हो चुका है, एंड काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप अपडेट दीजिए आपके सर्जरी का। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं दूँ, बट मेरे से नहीं हो पा रहा था क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए फिजिकली एंड मेंटली काफ़ी स्टेबल होना पड़ता है, एंड ये जो टाइम है, जो मेरा टाइम अभी तक हुआ है, वो थोड़ा सही नहीं था। तो आई होप आप लोग समझ सके। सो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ सर्जरी के बाद 50 डेज का। सो फर्स्ट 15 डेज जो था मेरा, मुझे मेरा लेग बेंड करने से मना किया गया था। सो मैंने अपना लेग स्ट्रेट ही रखा था, नी ब्रेसेस थे हमेशा, एंड वही फर्स्ट 15-16 डेज जो हीलिंग पीरियड होता है, जो मेरा जो स्टिचेस थे उसको हील करने के टाइम का पीरियड है, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, जो मेरा जो स्टिचेस था उसको निकाला गया, एंड उसके बाद का जो पीरियड है वो मेरा फिजियोथेरेपी सेशंस होता है। और जो मेरे फिजियोथेरेपी सेशंस हुए वो इतने पेनफुल थे कि मैं बता नहीं सकती। पेन किलर लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है, एंड फिजियोथेरेपी सेशंस आर वेरी पेनफुल। सो वो जो बीच के 15-20 दिन मेरे गुजरे हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं वो क्लिनिक के अंदर जाने से पहले ही मुझे पता चल जाता कि आज मैं रोने वाली हूँ, एंड मैं लिटरली रोती थी। इतना अनबेरेबल पेन होता था वो कि मैं बता नहीं सकती। मैं बस होप करती हूँ कि ऐसे फेस से कोई ना गुजरे, बट अभी सब ठीक है। सो मेरे को मेरी फिजियोथेरेपिस्ट ने पिछले 10 दिन से कार चलाने के लिए भी अलाव कर दिया है। सो मेरा जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक नहीं है, इट्स अ मैनुअल कार, बट मेरी फिजियोथेरेपिस्ट ने बाजू में बिठा के मुझे एक दो राउंड मिलाया, एंड देन सब ठीक है पूछा, एंड देन ओनली शी अलाउड मी टू ड्राइव। सो आई एम हैप्पी दैट आई एम एबल टू ड्राइव, क्योंकि पहले से ही, जैसे मैं 10th में आई थी तब से ही मेरे पास खुद का एक व्हीकल है। पहले मेरे पास स्कूटी था, फिर बाइक आया, फिर कार आया, एंड आई वॉज नेवर एवर डिपेंडेड अपॉन एनी वन। तो जब भी मैं हॉस्पिटल भी जा रही हूँ या कहीं पे क्लिनिक जा रही हूँ या जो भी सेशंस के लिए जा रही होती थी, तो मेरे को कैब बुक करना पड़ता था या ऑटो पर रिलाई होना पड़ता था या किसी पर रिलाई होना पड़ता था कि मुझे ड्रॉप कर दे। एंड ऐसा लाइफ में कभी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही काफ़ी इंडिपेंडेंट रही हूँ व्हेन इट कम्स टू व्हीकल्स एंड जो भी हो। सो वो फेस थोड़ा डिफिकल्ट था, किसी पर डिपेंडेंट होना। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि चलने के लिए भी मुझे दिक्कत होती थी, मैं स्टिक्स से चलती थी, और मुझे वॉशरूम जाना है या नहाने जाना है सब में मेरी मॉम हेल्प करती थी। तो वो वाले फेस की वजह से मेरे पास, मेरा दिमाग जो है वो स्टेबल नहीं था, एंड इसलिए मैं कुछ यू नो क्रिएटिव कर नहीं पाई। बट अभी थोड़ा सा मैं स्टेबल हो रही हूँ, एंड आज भी जैसे मैं रेडी हो चुकी हूँ कहीं जाने के लिए। सो MSK इज होस्टिंग अ इफ्तारी पार्टी टुडे इन मुंबई, एंड हमें इनवाइट किया गया है, काफ़ी और भी लोग आने वाले हैं। तो वहाँ पे जाके मैं बताऊँगी कि और कौन कौन है। ऑफकोर्स सत्या रहेगा, पूनम रहेगी, और कौन कौन है इतना डिटेल मुझे नहीं पता, मैं वहाँ पे जाके बताऊँगी। एंड थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ वो 14 फेब को हुआ, आज 12 तारीख है। ऑलमोस्ट 2 महीने से मैं ऐसे कहीं गई नहीं बाहर ऐसे रेडी वेडी होके। सो आज इतने ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद जा रही हूँ, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, एंड अकेले जा रही हूँ, आई एम नॉट डिपेंडेंट। गाड़ी लेके जा सकती थी, बट जहाँ पे जा रही हूँ आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे पार्किंग मिलेगा कि नहीं, तो आई विल टेक अ कैब, क्योंकि समझो अगर दूर पार्क करना पड़ा फिर से मुझे उतना चलना पड़ेगा, एंड उतना मैं फिलहाल नहीं चल सकती, मैं बहुत ही स्लो चल रही हूँ। सो आई एम नॉट टेकिंग रिस्क एंड आई एम टेकिंग अ कैब। बट इतना आप जो मेरे को सपोर्ट दे रहे, थोड़ा सा और सपोर्ट दीजिए, एंड थोड़ा मेरा सिचुएशन समझे, और वैसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाकी व्लॉग एंजॉय कीजिए।
ऐसे तो मुझे कार चलाना अलाउ कर दिया है, बट हम जो प्लेस में जा रहे हैं वहाँ पे पार्किंग का थोड़ा बहुत इश्यू है, और अभी पीक आवर्स भी स्टार्ट हो चुका है, इट्स 5:30 एंड मुंबई में जो पीक आवर्स स्टार्ट हो जाता है 5 बजे से, तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना है कि मैं कहीं पे फंस जाऊंगी और फिर बाद में मुझे पार्किंग नहीं मिलेगा, फिर मुझे बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा. सो इट्स बेटर कि मैं कैब करके जाऊँ. एंड हम निकल चुके हैं. आप सभी का स्वागत है हमारे इफ्तार पार्टी में, हमारी तरफ से भी है, मस्त खान हमने बिछा दिया है. लड़की एकदम टाइम पे आई है और ये आ गई आज. ये इफ्तारी पार्टी के लिए आई है, कल ये राइड करेगी हमारे साथ. करेगी ना दोनों, मतलब वो पहले कार से जाएंगे, कार के साथ एक ट्रिप करेंगे. यस, तो मैं बोल रहा हूँ हैदराबाद आ जाए, हैदराबाद तो जा ही रहे हम लोग. इसकी बिरयानी बहुत रमजान में देखेंगे, आ सकते हो. मैं आ सकती हूँ, चिकन का ओनली ऑन द बाइक. नहीं कार नहीं बाइक. आप लोग सब शुरू कर सकते हैं, टाइम हो चुका है रोजा खुलने का, इफ्तारी पार्टी. सब एक्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पे देख तेरे को कॉपीराइट देना है इसको. आपका कैलकुलेशन सही नहीं था टाइम को लेके. दो डेढ़ घंटा दिखा रहा था, 2 घंटे लग गए. मेरे क्या कहना था, मैं डेढ़ घंटा. आप पी कार्स में निकले हो, आपको समझना चाहिए था. मुझे पहले अकेला, मुझे लगा मैं अकेला आऊंगा, फिर सलीम मैं बोले कि वाइफ को लेके, मैं उसको भी लेके आना पड़ेगा. हाय हाय क्यूटी, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा उसको. चलो निकलते हैं, अभी इफ्तार पार्टी हो गई खत्म. यस, और बाइक पे कब जाने गए? बाइक पे टाइम है अभी फिलहाल, कार में को अलाउड है चलाना, वो भी अंदर अंदर. तो हम लोग चलाएंगे, तू बैठ जाना बाजू में, क्या टेंशन है? क्या बाइक कार मैं चला सकती हूँ? नहीं चलो. थैंक यू सो मच फॉर आप आए बुलाने के लिए, हम सब आपका प्रतीक्षा कर रहे थे और आप आए हमारे इफ्तारी पार्टी में. आपने जान लगा दी, चांद लगा दी, शान लगा दी. थैंक यू सो मच, कैसे भी आया हो ऐसे ऐसे इतना भी नहीं, थोड़ा थोड़ा. मैं नॉर्मल चल रही हूँ. सो गाइस, आज का दिन यही खत्म हुआ. बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, एमएसके, पूनम, सत्या, वांडरसेन भी थे. सो इन सबसे मिल के बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी टाइम के बाद ऐसे सबको मिल रही थी. एंड आई प्रोमिस यू गाइस कि मैं एटलीस्ट एक वीडियो डालूँ एक वीक में. 2 का टारगेट रखूँगी बट एक तो ज़रूर आएगा. सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग. बाय.